गुड मॉर्निंग, आज हम पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 में, जहाँ पर जिसके अंदर मिलेट से बने हुए व्यंजन जो स्टूडेंट्स ने बहुत ही अपनी मेहनत से बनाए हैं और काफ़ी डेकोरेटेड भी किए हुए हैं। मिलेट्स जो है वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड है। तो आइए मैडम से बात करें कि प्रिंसिपल हेड ऑफ मैडम डिपार्टमेंट ऑफ मैं जी डॉक्टर मनप्रीत कौर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज हम बच्चों के साथ एक मिलेट कुकरी कंपटीशन अरेंज किया है। मैडम आपने मिलेट ही क्यों चूज किया इसमें? ऐसे है जी, लास्ट ईयर से ही हम पूरे भारतवर्ष में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अंडर कॉलेज का एक आहार क्रांति क्लब है, तो हमारा मोटिव है मिलेट्स को पॉपुलराइज करना और अपने बच्चों को मिलेट्स के लिए अवेयरनेस देना। सो उसी कड़ी में आज हमने एक मिलेट कुकरी कॉम्पिटिशन किया है, जिसमें कि बच्चे डिफरेंट रेसिपीज बनाकर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं होम साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने कि ये प्रिपेयर किया है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या बनाया आपने? बाजरे की खिचड़ी एंड खीर। अच्छा, ये सब मिलेट्स से? हाँ जी, टोटली। क्या फ़ायदा होता है मिलेट्स का? हाँ जी, मिलेट्स का क्या बेनिफिट है? हेल्दी है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। हाँ जी। हेलो, माय नेम इज कंचन एंड आई एम बीए थर्ड फाइनल ईयर स्टूडेंट और आई मेड द रागी गोलगप्पा विच इज़ वेरी फेमस। और ये तो लड़कियों की पसंद है। यस सर, दिस इज़ रागी मिलेट से बनाया है, सो इट इज़ वेरी हेल्दी टू मतलब टेक। और इसमें रागी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, दिस इज़ द गुड थिंग इन रागी। चलो, ये हेल्थ के साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। जी, आपने क्या बनाया? मेरा नाम डेल्सा है और मैंने फॉक्सटेल मिलेट पुलाव बनाए हैं, विच इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इट गिव्स एनर्जी एंड इट्स अ हेल्दी मील। ये पुलाव हैं, काफ़ी डेकोरेटिव भी किए हुए हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम दीपजोत कौर है मैं बाजरे का पिज्ज़ा बनाया, ये बहुत हेल्दी है और बच्चों को देने भी तो बहुत बढ़िया है। ठीक ठीक, देखो छोटा छोटा पिज्जा जो फास्ट फूड का जो होते हैं साइड इफेक्ट्स, उससे भी बच सकते हो आप और इससे हेल्दी भी हो सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्नेहा मिश्रा एंड आई हैव प्रिपेयर्ड रागी केक। सो मेन मोटिव फॉर मेकिंग दिस केक इज दैट इट इज़ शुगर फ्री, इट डज नॉट कंटेन शुगर। I have used jaggery powder instead of sugar to maintain health. ये आप केक नहीं खाते? बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। तो आप ये खा के अगर ये पॉपुलर हो जाए तो लोगों को काफ़ी यूजफुल रहेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मिलेट्स का डिस्प्ले है, मिलेट अलग अलग टाइप के, ब्राउन टॉप। आइए मैडम से बात करते हैं क्या है। सो इन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बच्चों को अवेयर करने के लिए भी जो स्कूटा को डिस्प्ले है, जिसमें हमने शो किए हैं कि ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट जिसको हम आम हिंदी में कंगनी कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट हरी कंगनी, कोडो मिलेट इज कोडरा, लिटिल मिलेट इज सामा या कुटकी कहते हैं और बानयार्ड मिलेट को सानवा कहते हैं। इसके अलावा जो 3 कॉमन न्यूट्रल मिलेट्स हैं वो हैं रागी, ज्वार और बाजरा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेट्स का ये है कि जिन लोगों को ग्लूटन एलर्जी है या वो वीट कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आराम से मिलेट्स से बने प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जानकारी देने के लिए। ये देखो, ये बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स हैं। पूरा अवेयरनेस जो कैंपेन डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस के
डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और मैडम द्वारा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है मिलेट्स की अवेयरनेस के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा और उनके यूज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। ये आप देख सकते हैं स्टफ्ड ढोकला, ये बार्न यार्ड मिलेट कटलेट्स, ये ढोकला। बाजरे आलू की कचौरी, ज्वार टोपला, ये रागी से पनीर रैप, ये बाजरे के लड्डू, प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर वीनू डोगरा जी अराइव्ड हो गए अपनी टीम के साथ, जजेस के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, वेरी मैडम दीपिका कांसल है, बहुत अच्छा फंक्शन है, आइए। हाँ जी मैडम, प्रिंसिपल मैडम का स्वागत करते हुए हेड ऑफ डिपार्टमेंट होम साइंस, प्रिंसिपल मैम एंड जजेस की टीम आ गई है। बच्चों का ने जो मेहनत करी है, जो बनाया आज मिलेट से, तो आइए दिखाते हैं। जजेस के द्वारा स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए और उनका टेस्ट और रेसिपी पूछते हुए, क्योंकि ये जज होगा इनका सबसे बेस्ट जिसका होगा उसको प्राइस दिया जाएगा। टेस्टिंग सेशन शुरू हो गया, बच्चों ने जो बनाया है उसका टेस्टिंग एंड टेस्टिंग हो रही है, और इनको जो बेस्ट होगा उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। डोंट यू थिंक कैलोरीज लिखनी चाहिए, कितनी कैलोरी होनी, क्या इसमें है, क्या है, नहीं है, कहाँ अंदर इसके बोला था कुछ, थोड़ा डेकोरेशन, ये भी ढोकला है, बच्चे घर से ही बना के लाए तो सर, और ये भी सब ये पनीर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ असेंबल किया, रागी से बनाई है, रागी है बहुत अच्छा, बहुत मेहनत थोड़ी की है, मतलब तक सारी इवनिंग इसी में आपका गया होगा। रागी की इडली, वेजिटेबल इडली, जवाब के रखे हैं,
मिलेट स्टीम केक है या नमकीन केक विद सॉल्ट एंड स्पाइस। मंचूरियन किसी से बने? सर बाजरा, इट इज मेड अप ऑफ बाजरा व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, इट मेक्स अस हेल्दी। कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, मतलब लगता ही नहीं आप मिलेट से खा रहे हो, वो चीज़ नहीं आ रही, बहुत बढ़िया टेस्ट है। हमारे साथ है जजिस मैडम मंजू एंड प्रोफेसर राजीव भंडारी, आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लगा सर आपको टेस्ट इनका या इनकी मेहनत? एक्सेलेंट, एज ए वाइस प्रिंसिपल आई हैव विजिटेड द फर्स्ट फंक्शन हियर एंड इट इज एक्सेलेंट प्रिपरेशन दे हैव डन एंड एवरी आइटम इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड इट रिक्वायर्स मच आल्सो वन कैन गो हैड फन। यस मैम आपका? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और रदर आजकल जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपीज हैं और खाने को हर चीज़ मन करता है, लड्डू भी है, केक भी है, बर्फी भी है, सैंडविच भी है और हर वैरायटीज में बच्चों ने बनाई हुई है। और बिना डर के खा सकते हो कि इससे ना लगता कि हम हेल्दी खा रहे हैं, जितना मर्जी खा लो, अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि हम डरते हैं खा लेंगे। हाँ शुगर का ना, शुगर ना बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। थैंक यू। बच्चों के द्वारा मेहनत से बनाए गए व्यंजनों की मिलेट से जो बनाए हैं उनका निरीक्षण और परीक्षण होते हुए हमारे साथ हैं मैडम प्रिंसिपल मैम वीनू डोगरा जी, आइए इनसे बात करते हैं कैसा लगा इनको बच्चों का जो अच्छा अटेम्प्ट है इनका। देखो मिलेट का जैसे गवर्नमेंट की भी स्कीम है कि मैं भी अपने बच्चों को हम अच्छा पौष्टिक आहार, हमारे तो वो भी चल रहा है, पोषण माह चल रहा है, उसके अंदर उसके बीच में ही हमने बच्चों को प्राइज करवा रहे हैं और हमारी तरफ से ये जाता है, एक मैसेज भी जाता है बच्चों को भी हेल्दी जो है आपको डाइट लेनी चाहिए और हम जो फास्ट फूड में बच्चे पड़े हुए हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक में उसको अवॉइड। और क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी इनमें? मेरे को सबसे बढ़िया इनका एक तो रागी का गोलगप्पा, गोलगप्पा तो लेडीज की फर्स्ट चॉइस है, बहुत बढ़िया है। हमारे साथ हैं जजेस प्रोफेसर दीपिका जी, आइए उनसे बात करते हैं कि जो बच्चों ने आज इतनी मेहनत से बनाया उसके बारे में कुछ, और जज भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय व्यूज़। ये हमारा जो ईयर है मोदी जी ने मिलेट ईयर डिक्लेयर करा है, सो मोस्ट ऑफ द रेसिपीज दे आर मेड फ्रॉम मिलेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेट्स, मल्टीग्रेन्स बच्चों ने यूज़ करे एंड यू कांट इवन बिलीव कि उन्होंने कितनी अच्छी रेसिपीज बनाई है। वी ऑल शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस गार्डन एंड सिंस वी आर टू इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, तो हर चीज़ खाने को भी मिल रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। थैंक यू सो मच। आइए आपको मिलाते हैं कंचन से जिन्होंने कि रागी के गोलगप्पे बनाए हैं और सभी ने इनका टेस्ट बहुत ही मज़े से किया है। इसमें आप देख सकते हैं इंजेक्शन भी है, ये गोलगप्पे हैं, ये शॉर्ट्स बनाए हुए हैं गोलगप्पों पे। आइए कंचन जी से बात करते हैं। जी हेलो, माय नेम इज़ कंचन, आई एम बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट और मैंने आज रागी के गोलगप्पे बनाए हैं और उसके साथ मैंने खट्टा पानी बनाया है, एक मीठा पानी बनाया है और उसके साथ मेरे पास मीठी चटनी है, ग्रीन चटनी है और सबको बहुत पसंद आया। ये शॉर्ट की तरह मैंने इसको प्रेजेंट किया है, लाइक जैसे आप देख सकते हो इंजेक्शंस है इसमें और शॉर्ट्स है और इट इज़ लाइक थेरेपी फॉर एवरी गर्ल और एवरी वन। तो कितनी आपको कैसे बनाने आते थे कि? यस मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैंने यूट्यूब से पहले देखा से थोड़ा उस पर मैंने सीखा और उसके बाद मैंने इसको मतलब गोलगप्पे बनाए और फिर मैंने बाद में इनकी फिलिंग बनाई, उसके बाद मैंने पानी बनाया, पहले ग्रीन चटनी और मीठी चटनी से इन दोनों का मिक्स करके पानी बनाया,
तो ऐसे मैंने सुबह से मतलब तैयारी की 5 बजे से उठ के। यानी कि आप भी गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं? यस सर, बहुत ज़्यादा। तभी आप बना पाए? यस सर, आई रियली लाइक इट। देखिए मिलेट की खीर जो कि प्राची ने बनाई है, आइए बात करते हैं कैसे आपने प्रिपेयर किया है इसको कैसे। माय नेम इज़ प्राची शर्मा एंड टुडे आई मेड मिलेट पूरी विच इज़ बेसिकली मिलेट की खीर एंड विद अ लॉट ऑफ रिच फ्लेवर्स। आई ऐड सो मेनी लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर आई यूज जैगरी पाउडर and also in the end I add some millet milkmaid for more rich flavor. That is how I made this recipe which is very healthy and with source of very nutritions and also with the fiber, a lot of fibers in it. Thank you. Our students ne banayi hai jawar chaat papdi jo ki badi favorite hoti hai ladies ki। ज्योति जी से बात करते हैं। हाँ जी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति एंड आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर PGCG 42। आज मैंने चाट पापड़ी बनाई है, ज्वार की चाट पापड़ी। फर्स्ट मैंने इसके डो के लिए यूज़ किया है ज्वार फ्लोर, उसको एक थिन डो रखना है, ज़्यादा मतलब कि थिक डो रखना है, सॉरी थिन नहीं करना उसको ज़्यादा। और फिर उसको एक कटलर के साथ, कुकिंग कटलर होता है ना, जो उसके साथ हमें कट करना है, किसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। देन उसको फिर हमें डीप फ्राई करना है, जब हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी पापड़ी देन उसको निकाल लेना है। और फिर उसके बाद हमने उसको गार्निश करने के लिए इमली की चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी बनाई है पुदीने और धनिए के साथ, और धनिए को हमने उसको मैश करके अच्छे से मीठा डाला है, और बॉयल चने हैं, बॉयल टमाटो है और धनिया डाला है एंड देन अनार अनार और भुजिया के साथ उसको गार्निश किया। आपको कुकिंग का बहुत शौक लगता है, इतने एक्सप्लेन किया आपने जैसे। थैंक यू सर। है ना? हाँ जी। तो खाने का भी, चाट पापड़ी खाने का भी शौक है? बहुत सर, मैंने कल ट्राई किया था ना घर पे, तो हमने बहुत खूब खाई, मम्मा को भी खिलाई, पापा को भी खिलाई, खुद भी खाई। खुद बनाई आपने? खुद बनाया। सब सीखी कहाँ से आपने? सर यूट्यूब से। सबसे बड़ा बनाई है, मतलब घर में ना मम्मा जैसे वर्किंग वूमन है तो ज़्यादा ऐसा हम कुछ बनाते नहीं हैं घर पे, सिंपल रोज का जो होता है वही होता है। तो इसलिए मेरे पास कुकिंग की मुझे था इंटरेस्ट कि अब मैं अच्छा अच्छा कुछ सीखूँगी, तो फर्स्ट मैंने यही सीखा है। मैम ने भी, मैंने भी हमने यूट्यूब पर पहले देखा अच्छे से, फिर ट्राई किया। फर्स्ट मुझे ऐसा हुआ कि कैसे बनाऊंगी मैं, कैसे नहीं, क्योंकि पापड़ी अब मेन पापड़ी ही होती है इसमें, बाकी चीज़ें तो फिर भी हो जाती हैं, अगर पापड़ी क्रंची ना हो ना तो सारा स्वाद ही खराब हो जाता है। तो फर्स्ट मैंने 3 बार ट्राई की है, 3 बार ही अच्छी बनी है। अच्छूट नहीं नहीं, वो मेहनत है, आपका शौक है और उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मम्मा कहते थे कि आप पेशेंस का काम है ये बहुत। हाँ जी सर, कल से मैंने कल कॉलेज से छुट्टी ली थी, कॉलेज आई नहीं क्योंकि चटनी, इमली की चटनी मम्मा को आती नहीं थी बनानी। अच्छा, मैंने खुद बनाई, सुबह से लगी हुई थी कल, इमली की चटनी बनाई, ग्रीन चटनी बनाई, फिर पापड़ी रात को मैंने, पहले तो रात को बनाई थी, फिर रात को थोड़ी बहुत सौगी सी हो जाती है, तभी मैंने सुबह फिर जल्दी उठ के बनाई। आई विश कि आपको बहुत ज़्यादा कि आप विनर हो, आई विश कि आपको मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जजेस की टीम लास्ट टाल पे पहुंच गई है। अच्छा, दो उधर हैं अभी। ओके ओके ओके। For any presentation, you've done it very well otherwise. Okay. The presentation is very good. I liked it very much. The only thing is that I just wanted to correct you. Okay. Then. Yeah. I will help make sure. This is also good. You've done a good job. Foxtail millet and vegetable upma. जिसमें बेसिकली सूजी को फॉक्सटेल मिलेट से, जिसको कांगनी कहते हैं, उससे रिप्लेस किया है, बिकॉज ये सूजी से कंपेरेटिवली हेल्दियर है, बिकॉज सूजी में ग्लूटन होता है विच कम्स फ्रॉम वीट, तो ग्लूटन एलर्जी जिनको भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज फॉक्सटेल मिलेट को वैसे भी इट इज़ कॉल्ड अ मिराकल मिलेट,
सो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है और शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है एंड हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट करता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। Thank you. To all the students, even those who are not getting any prize, they should be also encouraged, given maybe a small chocolate or something, because participation is really very important. Yes. Participation. And they worked very hard. Yeah, because three, four days. They worked on even on the nutritional presentations. Certain things have been done very well, and I think, and of course. Such a great teacher. Yeah, they can come up with more things. And thanks to Mandeep for inviting us and giving us this opportunity. It is my honor to have you all here. Absolutely. You have been a big support. Thanks a ton for all your support. Thank you. Ragi, because इसमें मखाने भी है roasted. मखाने roast करके उसको crush कर दिया था. जब तुम्हें देखा ना, मैं दो जा रही थी, मैं कह रही हमारे बच्चे खड़े हैं, पर ये साइंस स्टूडेंट्स हैं और साइंस स्टूडेंट होम साइंस के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे तो इट्स अ वेरी क्या कर रहे हो आप? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी थर्ड ईयर। तो तभी हमारे ये देसी घी की पंजीरी है जो सुखमनदीप कौर सदाना ने बनाई है, आइए इनसे बात करते हैं जी। तो इसके अंदर बेस में रागी है, फ्लैक्स सीड्स हैं जिसको अलसी बोलते हैं, जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ, स्किन, पंजीरी में जी। और इसमें फॉक्स नट्स हैं जिसको मखाना बोलते हैं, अगेन वो हेयर, स्किन, बोन्स, बिकॉज कैल्शियम रिच है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बॉडी के लिए। और रागी शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड देसी घी की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे पिस्टैचो, आलमंड एंड कैशू नट्स, अगेन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बॉडी के लिए, हेल्दी फैट्स हैं जो हर इंसान को हर एज ग्रुप में खाने ज़रूर चाहिए। और ये है फॉक्सटेल मिलेट का उपमा जिसमें 5 to 6 वेजिटेबल्स हैं, बीन्स, कैरेट्स, पीज, कॉर्न्स, और इसके अंदर सूजी जिसमें जो बेसिकली वीट से आती है तो उसमें ग्लूटन होता है और ग्लूटन शुगर स्पाइक भी करता है, लोगों को ग्लूटन से एलर्जी भी होती है तो ये शुगर स्पाइक को भी प्रिवेंट करती है। और बाकी फॉक्सटेल मिलेट को वैसे भी मिराकल मिलेट बोलते हैं, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और वैसे भी आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, LDL बढ़ाता है, HDL को कम कर देता है। और यहाँ पे है हमारे पास दाल पकवान जिसमें दाल है चने की जो प्रोटीन रिच है, ऊपर सैलड है, टमाटर है, प्याज है और नीचे बेस में रागी की मिट्टी है बेसिकली। तो पकवान में हमने रागी का आटा यूज़ किया है और थोड़ी सी सूजी डाली है तो ये क्रिस्पी करने के लिए, इसको अगेन ये भी इंसुलिन स्पाइक को कम करेगा और बिकॉज इसमें रागी है तो ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच है, बिल्कुल हाई इन फाइबर है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। थैंक यू वेरी मच। कैल्शियम कंटेंट, व्हिच मिलेट हैज द हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्लैपिंग, क्लैपिंग। मिलेट्स पे एक क्विज रखा है जिसका कि आंसर जो है स्टूडेंट्स देंगे और जो जीतेगा उसको प्राइज भी शायद मिलेगा। हाँ जी। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर व्हिच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? 2023। व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स? इंडिया। Millet Man of India. Millet Man of India. Who is the Millet Man of India? Anybody. Anybody who knows who is the Millet Man of India? Khadar Wali. Anybody. Excellent. Gaurav Wali. Highest iron content. Which millet has the highest iron content? Aapka ho chuka hai na? Yes, sir. Bajra. What present in millets due to which patient of CKA disease can consume them? Millet में कौन सा प्रोटीन नहीं होता जिसकी वजह जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है वो उसको खा सकते हैं?
अप्लॉज. So we have two consolation prizes. The first consolation prize goes to, oh no, Barmeet for DA first and DA. Barmeet. देसी घी की पंजीरी, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है. आइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर. है मेहनत सफल हो गई जी. ये कहाँ से रेसिपी ली? यूट्यूब? ये मेरी अपनी ही है, मैंने कहीं से देखी नहीं थी इंटरनेट. अच्छा. से तो क्योंकि मुझे कुकिंग का वैसे बहुत शौक है. ओके. और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है. ओके जी. तो मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि मैं ऐसे ऐसे कुछ कुछ रिप्लेस करके और उसमें मतलब ग्लूटेन हटा के और मिलेट्स इनकल्केट करके फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं. आपने बड़ी जो डिशेज चुनी है ना, बड़ी हैवी हैवी डिशेज चुनी है. पंजीरी हो गया, ये क्या है? उपमा. और ये बाकी दाल पकवान. पंजीरी से लोग डरते हैं जी, है ना पंजाबी, लेकिन ये वाली पंजीरी से नहीं डरना. हेल्दी है, अच्छी पंजीरी है. yes. ये हेल्दी है. So congratulations. Thank once you so again. Much, sir. Thank you. First prize winner. First prize winner, Sukhmandeep Kaur. Congratulations, Dr. Manpreet Mad, HOD department of. Thank you so much. Thank you for all your support and encouragement. For the very success of your program, बहुत ही कामयाब रहा program आपका. Thank you. सब बच्चों की मेहनत है, उन्हीं की वजह से हमारी भी कामयाबी है. बहुत बच्चों ने मेहनत बहुत करी है. बहुत ही अच्छा भी बनाया, very tasty food also. Every item is very good. Each student is worth praising. Very nice. Thank you.